फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड लज़ानिया बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेड सॉस प्रिपेयर करेंगे। एक पैन में हम एक कप पानी डाल देंगे और इसमें चार टमाटोज, इसे हम ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। एकदम रेडी हो गए। गैस को बंद करके हम इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। जब तक टमाटर ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लेते हैं। ये मैंने 8 ब्रेड पीस लिए हैं, इसे हम इसकी साइड्स कट कर लेंगे। हमने ब्रेड की साइड्स कट कर ली हैं, अब हम इसे बेलकर इसे थोड़ी पतली शीट बनाएंगे। तैयार कर लिए ब्रेड की। अब हम टमाटोज को देख लेते हैं। टमाटोज भी ठंडे हो गए हैं, हम इसके छिलके उतार लेते हैं। फिर हम इसकी रेड सॉस प्रिपेयर करेंगे। इसे हम बीट कर लेते हैं। ब्राउन हो गया, अब हम इसमें अनियन डाल देंगे। हमने 2 अनियन चॉप करके डाले, इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब अनियन थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटो की प्यूरी डाल देंगे जो हमने बना ली थी। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच चीनी। और इसे हम अच्छे से भून कर इसकी रेड सॉस रेडी कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको सॉटे करने के लिए सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर देंगे। इसमें हम 1 चम्मच गार्लिक डाल देंगे। थोड़े से हम इसमें कॉर्न डाल देंगे। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉटे करेंगे। 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, 1/5 चम्मच लाल मिर्च, 1/5 चम्मच काली मिर्च और इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। वैसे तो एकदम रेडी है। हम व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। पैन में हम थोड़ा सा बटर गरम करेंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल। और व्हाइट सॉस इज रेडी। कढ़ाई में हमने नमक डाल दिया है, इसे हम प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे।
जब तक स्टीमर रेडी हो रहा है तब तक हमने एक नूडल ली है। आपके पास कोई भी बर्तन हो आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें रेड सॉस डाल देंगे। इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस डालेंगे। इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब स्टीमर भी रेडी हो गया है, अब हम इसे रख देंगे। इसे हमने टोटल 30 मिनट्स रख लिया था। अभी चीज एकदम बस्ट हो गया हुआ है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।